हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है मूलभूत गणितीय अवधारणा का, जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है आप लोग के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उसमें मैं सेकंड नंबर का मैथमेटिक्स लेके आ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए कुछ गणित की आवश्यकता होती है जो हमको स्ट्रांग करना है, खासकर बायो के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है, और ट्रिग्नोमेट्री में जो 9th और 10th में हम पढ़े रहते हैं वही बेसिक हमको 11th 12th क्लास के फिजिक्स में काम आता है। बाकी जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री अपने मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आज के क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का वो सब पोर्शन को टच करने का प्रयास करूंगा जो फिजिक्स के लिए ही जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है। तो बिल्कुल मैं उन चीज़ों पर फोकस करूंगा जो फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो आप इस क्लास को फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो सामान्य रूप से यदि मैं डिस्कस करूं जो आपको पहले से पता है, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वह एक समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है, आप सबको पता है। वैसे रिविजन ही क्लास है, मान के चलो आप ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम किसको कहते हैं जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 90 अंश का कोण है। अब यहाँ पर दो अज्ञात कोण है, ये ए और सी, ये दोनों का मान हमको नहीं पता। यदि मैं कोण सी को थीटा सपोज कर लूँ, तो जैसे ही मैं इसको थीटा सपोज करूँगा तो थीटा का सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लंब कहेंगे, और 90 अंश का सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ठीक है, यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, एच कर्ण, और तीसरा भुजा जो बच जाता है उसको हम कहते हैं आधार, और इंग्लिश में कहते हैं बेस, बी फॉर बेस। तो इस तरह से पी एच बी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। और इस ये सब आपको मालूम है ना, इन चीज़ों को पढ़ाते वक्त मुझे ये भी ध्यान रहता है कि इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन बस जस्ट एक रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। अब यहाँ पर जो किसी समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, इनके भुजाओं का जो अनुपात होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो कितना होता है 6 प्रकार का, जिसमें जो मुख्य होते हैं वो है साइन थीटा। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग मैथमेटिक्स लिए हुए हो उन लोग मैथमेटिक्स में 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ोगे, और मैं मैथ्स का भी जस्ट वीडियो अब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह स्टार्ट करने वाला हूँ। ये फिजिक्स में बायो के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो पी अपॉन एच होता है। फिर आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस आधार बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये जो है मूल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। वास्तव में ये जो साइन और कॉस होता है इसको हम मूल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं, क्योंकि इसी से बाकी जो चार हैं वो पैदा होते हैं, उनको हम व्युत्पन्न कहते हैं। मुख्य रूप से साइन और कॉस ही बना, उसके बाद जब टेन बनाया गया तो टेन थीटा में क्या हुआ, साइन थीटा में कॉस थीटा को डिवाइड किया गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन और कास को छोड़ के जितने भी त्रिकोणमिति और चार निष्पत्ति बने, त्रिकोणमिति निष्पत्ति कहते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये इन दोनों की सहायता से पैदा हुए। क्लियर? तो टेन कैसे हुआ, साइन में कास को डिवाइड करने से। अब साइन क्या है अपने पास, साइन है पी अपॉन एच, और क्या कास क्या है, बी अपॉन एच। नेचुरली एच एच कट जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार। इस तरह से टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाता है, जो साइन और कास की सहायता से बना है। ठीक है, इसके बाद अपने को पता है काट थीटा, तो काट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, इसमें इसको डिवाइड करने से, मतलब कास थीटा में यदि हम साइन थीटा को डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा, या देखो कास थीटा में साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे तो उल्टा हो गया, तो इसको हम 1/10 थीटा भी कह सकते हैं। ये सब इसके फार्मूला हुए, और 1/10 थीटा मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से। तो काट थीटा भी किससे बना, साइन कास से पैदा हुआ, और इसका उल्टा है इसलिए 1/10 कह सकते हैं, इसका उल्टा है इसलिए पी अपॉन बी को बी अपॉन पी कह सकते हैं। पता है सब आप लोग को, ये सब पढ़े हुए हैं अभी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेक थीटा।
तो sec थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब 1 अपॉन cos थीटा को हम sec थीटा कहते हैं, इसलिए b अपॉन h क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद cosec थीटा, cosec थीटा इसका व्युत्क्रम होता है, किसका, 1 अपॉन sin थीटा का, तो 1 अपॉन sin थीटा इसका व्युत्क्रम हो गया h अपॉन p, क्लियर। इस तरह से ये संबंध होते हैं जो कि आप लोग को पहले से पता है। फिर इसमें जो सूत्र यूज होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इस क्लास को विशेष रूप से आपको बताने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति में जो सूत्र यूज होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पाइथागोरस प्रमेय, जिसका फिजिक्स में बहुत यूज होगा और आप सबको पता है, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब का वर्ग और धन आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, इसको हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। संकेत के फॉर्म में लिखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, या इसी को हम एच इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, फिजिक्स के डेरिवेशन में जगह जगह। लेकिन एक सामान्य बात है, इन चीज़ों को पढ़ाते वक्त मुझे लगता भी है कि मैं ऐसे चीज़ों पर टॉपिक कर रहा हूँ जिसमें आप लोग, जितने भी लोग मेरे क्लास देख रहे होंगे 10th क्लास पास होने के बाद, सबको 100% पता है, लेकिन इसका बेसिक है, एक बार मैं इस पर बात कर रहा हूँ। अब जो मेन फार्मूला इस पर आप तैयार करोगे, जैसे आपको पता है एक फार्मूला मैं लिखूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा पता है आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरा आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये आप 10th क्लास में पढ़ के ये सब फार्मूला आप लोग आए हो, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने 10th स्टैंडर्ड पर बात किया, 9th-10th स्टैंडर्ड पर, इसके बाद इसमें बहुत से फार्मूले ऐसे हैं जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं और आपने 9th-10th क्लास में नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली मैं यदि सीधा बात करूँ आपसे तो उन वो सभी फार्मूला पर बात करूँ जिनको आप 10th तक नहीं पढ़े हैं और 11th-12th में फिजिक्स में काम आएगा। तो फार्मूला, बहुत से फार्मूला है, उन फार्मूला को यहाँ पर बोर्ड में लिखने के बजाय वो फार्मूला का जो कलेक्शन है वो यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप उस फार्मूले का मेरे बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप लर्न करिए, उसको आप एक देखिए, एक ही दिन में आपको फार्मूला याद नहीं होगा, धीरे 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 आप सब फार्मूला को याद करिए, ठीक है। वो फार्मूला आप लर्न करने के बाद फिजिक्स में कहीं भी यूज़ होगा अप्लाई करिए। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए डबल बेनिफिट है कि यहाँ वो याद कर लेंगे तो उनको मैथ्स में भी काम आएगा। तो वो सब फार्मूला समझाने का नहीं है जो यहाँ पर लिस्ट में मैं दे रहा हूँ, तो देखिए ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्लियर, ओके। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, और अब मैं कुछ ऐसे फार्मूला पर आपसे बात करूँगा जिसको आप रट नहीं सकते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे आप इतने फार्मूला तैयार नहीं कर सकते। तो उसको ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको कैसे याद करते हैं, जिसको मैं हमेशा 54 फार्मूला के नाम से, हमेशा 54 फार्मूला के नाम से इसको मैं बताता हूँ। 54 मतलब गिनती उसकी। अब आप गिनती सुन के चौंक गए होंगे कि सर 54 फार्मूला हम याद करें तो कैसे याद करेंगे और 54 फार्मूला का कैसे यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, इस ट्रिक्स को यदि आप अच्छे से फॉलो कर लिए तो 54 फार्मूला आपको एनी टाइम याद है, खासकर मैथ्स के स्टूडेंट लोग को मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये हमारा जो 54 फार्मूला है, इसका नाम ही मैंने रख दिया है 54 फार्मूला। अब मैं आपको बताऊंगा कि 54 फार्मूला कौन कौन सा है, पहले ये बता दूं। तो 54 फार्मूला में जो फार्मूला हम कलेक्शन में देंगे आपको वो है जैसे साइन 90 माइनस थीटा, फिर साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर। मतलब पहला 90 वाला, तो साइन का 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ऐसी कास का दो, ऐसी 10 का दो, सबके दो दो, और होते कितने हैं 6, तो 6 दूनी कितने हो गए 12 हो गए। साइन के दो आप समझ गए होंगे, साइन के दो, कास के दो, 10 के दो, काट के दो, सेक के दो, कैसे कोसेक के दो, एक माइनस, मतलब ये हो गया 90 से रिलेटेड। सेकंड साइन 180 ऋण थीटा और उसी प्रकार साइन 180 प्लस थीटा, ये भी कितने हो गए 12। पहले आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि मैं क्या 54 फार्मूला आपको बताने वाला हूँ।
बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थर्ड, साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा, ये भी कितने 12। इसी प्रकार से साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा, इसके भी 12। और ये 90-60 हो गया। साइन निगेटिव एंगल माइनस थीटा, इसके 6। साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, काट माइनस थीटा मतलब ऋणात्मक कोण, तो ये माइनस वाले इतने। अब आप गिनिए, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, काउंट कर चुके होंगे आप, ये कितने हो गए 54 फार्मूला। तो ये 54 सूत्र यदि किसी को रटने के लिए बोला जाए कि भैया मैं आपको लिस्ट दे दूं, जैसे भी मैंने आपको लिस्ट दिया वैसे मैं लिस्ट दे दूं और आपको बोलूं कि आप इसको रट लो, तो पॉसिबल नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये इतने फार्मूले कहीं पर कोई भी यूज़ में आ जाते हैं, फिजिक्स में कहीं पर भी अपने को यूज़ आ जाता है। अभी जैसे आप 12th का वीडियो में देख रहे हैं तो प्रत्यावर्ती धारापन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया, जैसे LC सर्किट LR सर्किट पढ़ाया, तो कास पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा, तो जिनको पता है तेजी से समझ गए। तो इसलिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को तैयार करना बहुत जरूरी है, वास्तव में यही हमारा फिजिक्स समझने का बेस है। तो इनको हम पहले तैयार करेंगे, अभी ट्रिक्स से आप 5 मिनट में ये 54 फार्मूला याद कर सकते हैं, ओनली 5 मिनट में। मैं कुछ ऐसा ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि 54 फार्मूला आप, उसके बाद आप क्या करना, पूरा 54 तो मैं बोर्ड में लिखूंगा नहीं, ये लिस्ट आप बना लो। मेरे पढ़ाने के बाद आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, पढ़ाने से पहले एक होमवर्क दे दिया आपको कि अभी जो ट्रिक्स मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर आप 54 फार्मूला का लिस्ट बनाना। कैसे 54 का, ये इसके बारह अपने रफ कॉपी के लेफ्ट साइड में लिख लेना, और राइट साइड में वो क्या होता है ये बिना बुक से देखे, अभी मेरे पढ़ाने के बाद बिना देखे आप बना के देखना। तो मेरा चैलेंज है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट 54 फार्मूला ऐसी ओरल बता देंगे। बस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख दिया और मैं इसमें सबको आपको बताऊँगा अभी, ठीक है, या इसको मैं मिटा रहा हूँ। 54 समझ गए, अब मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहला जो रूल है वो चिन्ह के लिए, चिन्ह का जो अपन नियम यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे वो क्या है, देखिए पहला रूल, ये हमारे जो 360 अंश अपने पास होता है, यहाँ पर मैं रूल्स लिखूँगा, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270, 270, और ये होता है 360। जीरो ही 360 बन जाता है, एक राउंड घूमने के बाद जीरो ही 360 बन जाता है। 0 से 90 तक को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, पहला। 90 से लेकर 180 तक को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये बात भी आप लोग को पता होगा कि पहले जो चतुर्थांश होता है उसमें आल प्लस, आल पॉजिटिव होता है, आल मतलब छयो, साइन से लेकर कोसेक तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं ये छयो, साइन से लेकर पूरे कोसेक तक इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन और इसका साथी कोसेक ये दोनों प्लस होते हैं, साइन प्लस होगा तो कोसेक ऑलरेडी प्लस होगा, क्लियर। और थर्ड नंबर में होता है टेन और काट, ये दोनों प्लस होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक ये दोनों प्लस होते हैं। मतलब हमने प्लस के लिए नियम बना लिया, अब बच गया वो माइनस है। जैसे यहाँ पर तो सभी प्लस, इसकी बात ही छोड़िए आप, यहाँ क्या बोले साइन और कोसेक, मतलब जब द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब जब कोण 90 से 180 के बीच में रहेगा तो केवल साइन और कोसेक ही प्लस रहेंगे और बाकी जो 4 बच गए वो सब के सब क्या रहेंगे, माइनस। यहाँ पर टेन और काट प्लस रहेंगे, बाकी माइनस। ये तो पहला जो रूल हमने बनाया चिन्ह परिपाटी के लिए, उस रूल को हमने कह दिया पहला रूल, आल साइन टेन कास, इंग्लिश में लिख देता हूं उतना आप समझ सकते हैं, प्लस बाकी सब माइनस। ये एक स्लोगन जैसे बना दिया मैं, आल साइन टेन कास प्लस बाकी सब है माइनस।
तो आल का मतलब यहाँ पर आप क्रम से याद रखना, आल मतलब पहले की बात हो रही है, साइन मतलब दूसरे की बात हो रही है, तीसरे नंबर में टेन की बात हो रही है, चौथे नंबर में कास। तो पहला हो गया साइन का नियम, आल साइन टेन कास प्लस, बाकी सब माइनस, पहला। दूसरा रूल हमने बनाया है कि 90 अंश तथा 270 अंश के लिए, मतलब 90 अंश और 270 अंश का यदि मामला रहेगा जहां पर 90 डिग्री की बात होगी और 270 की बात होगी, माने यहां पर मैं देखूं, अच्छा उसको तो मिटा दिया, 90 और 270 का जो मामला रहेगा वहां पर क्या होगा ये ध्यान देना। यहां पर हमारा जो साइन है उसको हम बदल देंगे कास में, और कास बदला जाएगा किस में, साइन में। ये रूल है कि 90 और 270 के केस में साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, और टेन का काट हो जाएगा, और काट का टेन हो जाएगा। इसके बाद सेक का, तो सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा। 90 तथा 270 के केस में इस तरह से परिवर्तन आ जाएगा, क्लियर। और तीसरा रूल है 180 डिग्री तथा 360 में कोई परिवर्तन नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत आसान रूल है कि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब साइन साइन रहेगा, कास कास, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, चेंज इसमें होगा 90 और 270 में। और चौथा रूल है सभी ऋणात्मक कोण, सभी निगेटिव है ना, ऋणात्मक कोण कहाँ होंगे, चतुर्थांश में होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी ऋणात्मक कोण, चाहे ऋण एक डिग्री रहे चाहे ऋण 1000 डिग्री रहे, यदि वह ऋणात्मक कोण है, यदि कोण निगेटिव है तो उसका जगह फिक्स है, रिजर्व है, उसका जगह कहाँ रहेगा, वो चौथे चतुर्थांश में रहेगा। कौन, सभी ऋणात्मक कोण, उनको खोजना नहीं। तो ये चार रूल यदि आपको याद हो गए तो आपको 54 फार्मूला याद हो चुका है। भले आपको लग रहा है कि सर अभी हमको कहाँ याद हुआ है, लेकिन अभी आप मेरे ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो मैं अभी एक एक स्टूडेंट से बुलवा लेता, उसको 54 याद है, आप भी बोल लोगे। आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में ही जैसा महसूस करिए, और अभी जो जो मैं बताते जाऊँगा तुरंत ओरल आप अपने दिमाग में लाना, भले आप मुझे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे लेकिन अपने आप को, खुद को, खुद का सुपरविजन करो खुद से कि हाँ मैंने बना लिया, अब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए किस तरह से हम 54 फार्मूला पर, मैं रेंडम बात करूँगा मतलब कुछ भी उठपटांग ले लूँगा। चलो हमारा मन होता है कि हम 10, 90 प्लस थीटा का मान जानना चाहते हैं, हमको कहीं ज़रूरत पड़ा कि हम 10, 90 प्लस थीटा का मान जानना चाहते हैं और हमको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो कैसे बना लेंगे हम विद इन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर में हम बता देंगे कि इसका मान इतना होगा। और अच्छा प्रैक्टिस रहे तो 54 फार्मूला को जो जब आपसे पूछे तो सोचते कैसे, अभी मैं आराम से बता रहा हूँ, 30 सेकंड में नहीं बताऊँगा, आराम से बता रहा हूँ, लेकिन सोचते कैसे आप ध्यान देना। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का केस है, केस मीन्स 90 का है कि 180 का है कि 270 360 का, तो क्लियर कौन सा मामला है, 90 का मामला है। तो पहले तो आप ये देख लो कि किस तरह का केस है। तो रूल में आपको पता है 90 तथा 270 याद रहेगा आपको, ये 90 और 270 में 10 क्या हो जाता है, काट हो जाता है, तो सवाल ही नहीं है, ये काट थीटा हो जाएगा, आप उसको कुछ भी मत सोचिए, सीधा लिख दीजिए काट थीटा। अब सवाल उठता है कि काट थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा, पहला डिसीजन हमने क्या लिया कि वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और बदलने नहीं बदलने का ये नियम है, 90 270 में बदलेगा, 180 360 में नहीं बदलेगा, तो बदल गया 10 काट। अब यहाँ पर क्या देखना है कि चिन्ह कौन सा होगा, तो चिन्ह कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कोण कहाँ पर है, 90 प्लस थीटा जो है इसमें कहाँ पर है, तो 90 तक यहाँ आ गए अपन, और 90 प्लस थीटा माने 90 से ज़्यादा, तो अपन आगे प्रवेश करेंगे किस में, सेकंड में प्रवेश करेंगे। और सेकंड का रूल क्या कह रहा है कि साइन और कोसेक भैया रहेगा प्लस, और बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस,
लेकिन ये तो साइन और कोसेक नहीं है, ये तो टेन है, तो क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। देखो हमने रटा नहीं था, फटाफट उसको अपन सोच लिए। और कुछ भी लिख लेते हैं अपन, सपोज अपन देख लेते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा, इसका मान निकालना चाहते हैं। तो 270 में चेंज, पहले ये देखना कि कौन सा है कोण 270 में चेंज होता है, कोसेक का सेक होता है, उल्टा है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, तो फाइनल डिसीजन हो गया सेक थीटा होगा। अब चिन्ह ये बताएगा, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस में पीछे जाएंगे, प्लस में आगे जाएंगे, तो 270 से कम माने कहाँ है तीसरा, और तीसरे में 10 और काट प्लस होता है, तो ये तो ना 10 है ना काट है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। और कुछ भी अपन देख लेते हैं, सपोज मेरे को जानने का जरूरत है कास 180 प्लस थीटा, ये जानना है, तो कास 180 प्लस थीटा, 180 के मामले में कोई चेंज नहीं, तो कास का कास रहेगा, ये मैंने लिख दिया कास थीटा। अब चिन्ह डिसाइड करूंगा, तो 180 प्लस थीटा मतलब 180 यहाँ तक हुआ, 180 यहाँ तक हुआ, अब प्लस मैंने आगे जाऊंगा, यहाँ चले जाऊंगा, यहाँ 10 और काट प्लस होता है, अब वो क्या है कास है, तो प्लस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब सपोज मैं कहीं पर ले लेता हूँ 10 180 प्लस थीटा ले लिया, तो 180 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, धीरे धीरे आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। और 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश, तीसरा, और तीसरे चतुर्थांश में 10 प्लस होता है, तो सामने क्या रहेगा, प्लस रहेगा। देखो एक एक सेकंड में बन जाएगा, बिल्कुल तुरंत बता लोगे आप, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। कुछ निगेटिव एंगल ले लेते हैं, सपोज मेरा रख लेना है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि सभी ऋणात्मक कोण कहाँ होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, तो चौथे में चले आए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। और चिन्ह अपने को देखना है, तो चिन्ह यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो कास और सेक बस प्लस होते हैं, बाकी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहीं पर मान लो मेरे को लेना है कास माइनस थीटा, तो कास थीटा होगा, लेकिन चतुर्थांश में कास प्लस रहता है, यहाँ प्लस रहेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं उसको, ऐसा इसको प्रैक्टिस कर लोगे आप। तो ये मैंने कुछ रेंडम जहाँ से कुछ भी उठा के आपको सिखाया कि कैसे हम उसको बता पाते हैं, लेकिन आपको यदि प्रैक्टिस करना है तो 90 वाले 12, फिर 180 वाले 12, फिर 270 वाले 12, फिर 360 वाले 12 और माइनस वाले 6, इसका अलग से आप रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में ही आप एक चार्ट बना लीजिए, और उस चार्ट को आप किसी बुक से देख के मत उतारिए, आप उसको बना के देखिए, भले ही अपनी संतुष्टि के लिए उसको बनाने के बाद यदि किसी बुक में आपका कलेक्शन दिया हो तो वहाँ से आप उसको क्या करिए, टेली कर लीजिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हो सकता है कहीं पर थोड़ा बहुत शुरुआत प्रैक्टिस में मिस्टेक हो जाता है, तो ये रूल है जिसके आधार पर आप 54 फार्मूला को एनी टाइम तैयार कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँ कि मैंने जो अभी स्क्रीनशॉट आपने मेरे फार्मूला का लिया, तो उसमें बहुत से फार्मूला का कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से उसमें जो फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा तैयार करना है उसमें साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी ये तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि रूल आप अपने पास रखिए, ये बहुत काम का है और इस पर प्रैक्टिस करिए। क्लियर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके कर लिया। चलिए अब इसमें देखें, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल है नहीं जो फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। ट्रिग्नोमेट्री पर ऐसा ही एक बार तो हमारे दिमाग में आता है कि इसका काम आप चला लोगे 9th-10th के आधार पर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हो जाती हैं। मेन टॉपिक हमारा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित और कैलकुलस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको और सलाह दे दूं कि फार्मूला इसमें बहुत है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। चार लाइन का मेस बनाओगे, चार फार्मूला यूज हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप फार्मूला रटते रहिए, मैंने आपको चार्ट दे दिया है, आपके पास भी अवेलेबल होगा। इसमें मुख्य रूप से जैसे फार्मूला आप याद करोगे तो आपको चार्ट में मिला होगा साइन ए प्लस बी, तो आप याद करोगे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इस तरह से आप इसको रट लोगे। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाले सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट हैं। सी डी फार्मूला, फार्मूला बहुत, साइन सी प्लस साइन डी, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, इसके भी चार फार्मूला हैं, कास सी प्लस कास डी। क्लियर। कास सी माइनस कास डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये तो जो लिस्ट में मैंने आपको दिया है कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
ये फार्मूला आप रटो। मतलब यदि फिजिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पर परेशान नहीं होना है तो एकमात्र आपके पास उपाय है फार्मूला। क्या यूज़ करेंगे अपन? फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मैं फिजिक्स में कोई फार्मूला का डेरिवेशन कर रहा हूँ, कोई वहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र काम में आएगा, वहाँ यूज़ होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान मैथमेटिक्स है और मेरा ज़्यादा रोल इसमें नहीं है। मैथ्स में पढ़ाऊंगा तो रोल है, यहाँ ज़्यादा रोल नहीं। यहाँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला लर्न करने की बात करूँगा और मैंने उसको अवेलेबल भी करा दिया। तो फार्मूला आप उसको रटिए और फिजिक्स में कहीं पर भी उसका यूज़ आता है तो सीधा उसको वहाँ पर यूज़ करिए। क्लियर? तो आप अब आपका काम स्टार्ट होता है फार्मूला याद करने का, वो आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।